थाना छत्ता क्षेत्र के बेलनगंज स्थित धोबीपाड़ा निवासी एक परिवार ने छत्ता पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। सोमवार को पीड़ित परिवार ने पुलिस आयुक्त से थाना पुलिस की शिकायत की। पुलिस आयुक्त ने एसीपी छत्ता को मामले की जांच सौंपी है। थाना छत्ता क्षेत्र बेलनगंज स्थित धोबीपाड़ा निवासी शेखर यादव ने बताया कि घटना 9 जून की है। वह ऑटो चालक है। रात करीब 9 बजे घर लौटा था। रास्ते में ऑटो खराब हो गया। घर के नजदीक दो पक्षों में विवाद हो रहा था। इसी दौरान पुलिस सायरन बजाती हुई आई और भगदड़ मच गई। वह भी घबरा गया, भागकर घर में घुस गया और पीछे पीछे उसके पुलिस आ गई। उसे दबोच लिया, बेरहमी से पीटा, उसका सिर फूट गया। गर्भवती पत्नी और मां बाहर निकल आए, विरोध किया, वीडियो बनाने लगी। इस पर पुलिस ने मोबाइल छीन लिया। भैया घटना जो हुई थी रविवार रात 9 बजे, दिनांक 9 तारीख 9 जून, मैं अपने काम से आ रहा था। बेलगन चौराहे पे मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो धक्का मार के लेके आया मैं इस जगह पे। मैं आके रुका गली के कोने पे तो यहाँ विवाद हो रहा था, बड़ा कर रहा आपस में 4-5 जनों में। तो मैं उस विवाद को देख के भारी रुक गया। आपस में सनी दिवाकर, राम दिवाकर और बंटू में, इनमें आपस में विवाद हो रहा था 4-5 जनों में। तो विवाद को देख के मैं भारी रुक गया। मैंने गाड़ी खराब है, ऐसे अंदर जाएगी नहीं। मैं झगड़ा शांत हो जाएगा तो अंदर मैं गाड़ी लेके चला जाऊँगा धक्का लगा के लेके। तो भैया उस जगह पे मौका है वारदात, तो पुलिस नहीं आती है। जब पुलिस आती है तो वहाँ पे जितना जम करता सारी भीड़, पुलिस को देख के डर के मारे भाग उठी, भगदड़ मच गई। तो पुलिस को देख के मैं भी भागा अपने बचाव के लिए। मैंने कहीं मुझे नहीं पकड़ने, अकेला देख के मैं अपने घर की तरफ भाग के आता हूँ तो मुझे मेरे गेट पे आके पकड़ के बोलते हैं चलो चौकी। मैं साहब मेरी क्या गलती है, मैं चौकी चलूँ? तो मेरे बचाव में सब बोलते हैं गली वाले कि इसकी तो कोई गलती नहीं लड़के की। तो मेरे घर में अंदर घुस के अंदर से कुंडी लगा के इतनी बुरी तरीके से मारा पीटी करी है, मेरे संग, मेरे बाप के संग, मेरी माँ के और मेरी वाइफ के संग। मेरी वाइफ ने वीडियो बनाई तो वीडियो बनाने के लिए फ़ोन छीना उन्होंने, लात मारी मेरे वाइफ के पेट में। बच्चा है 4 महीने का, बच्चा खराब हो चुका मेरी वाइफ का पेट से। आरोप है कि पत्नी और मां के साथ भी पुलिस कर्मियों ने अभद्रता और मारपीट की। पुलिस उसे थाने ले गई। अब उसकी तरफ से मोहल्ले के रोहित, शनि, राम आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि उसका तो किसी से कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। उसे तो पुलिस ने पीटा था, वह तो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई चाहता है। पुलिस आयुक्त जे रविंद्र गौड़ ने मामले की जांच एसीपी छत्ता को दे दी। यहाँ पे लड़ाई हो रही थी पीछे, तो वहाँ पे सभी खड़े थे, पुलिस वाले आए थे तो इसके पीछे भागे थे पुलिस वाले एकदम। तो ये अपने अंदर आया था तो ये घर में घुस गया, घर में जाके सारे बंद करके और बहुत बुरी तनिया मार लगाई थी उनकी। हमारे कुछ जेठ आए थे, उनमें भी दो डंडे मार दिए। एक ये हमारी लड़की है, ये लड़की है, इसकी भी मार लगा थी, इसमें भी दो डंडे, और ये पड़ोस में सामने वाले, इनकी भी कुंडी बंद कर दी। पीड़ित शेखर व परिजनों ने बताया कि मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी बेलनगंज चौकी पर तैनात हैं। पुलिसकर्मियों ने मां और पत्नी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से पत्नी के पेट में पल रहा बच्चा भी चोटिल हो गया। डॉक्टर को दिखाने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत बताया। परिजनों का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी, पुलिसकर्मियों ने ऐसा क्यों किया। पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच एसीपी छत्ता कर रहे हैं। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।